अगली खबर ललितपुर से है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भगवान लवकुश जन महोत्सव में नाराहट में शिरकत करने पहुंचे। आपको बता दें, इससे पहले दो बार का दौरा रद्द हो चुका था। आखिरकार इस बार जिला पंचायत सदस्य रामू कुशवाहा मनोज कुशवाहा की तपस्या सफल हो गई। डिप्टी सीएम के स्वागत में दिलघोड़ी नृत्य ने लोगों का मन मोह लिया। नाराहट को फर्टिलाइजर एवं विकासखंड का दर्जा दिलाने का वादा किया। अमझरा घाटी गांव आश्चर्य का निरीक्षण कर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्य की समीक्षा बैठक की। बैठक में अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारी एक दिन की वेतन काटने का आदेश दिया। सभी विभागों के अधिकारियों को आदि शक्ति इस पिछड़े जिले को नंबर एक जिला बनाने को कहा। अब देखना यह है कि जिले के अधिकारी डिप्टी सीएम आदेशों का कितना पालन करते हैं या फिर आदेश को हवा हवाई कर देते हैं। गौशाला का निरीक्षण किया और गौशाला में जो गौवंश की संख्या है उसे भी देखा और वहाँ की व्यवस्थाओं को भी देखा। काफी संतोषजनक वहाँ की व्यवस्था लगी है, लेकिन अभी भी जनपद में गो आश्रय स्थलों के निर्माण और संपूर्ण गौवंश को माननीय लोग साथ में मेरे बैठे हुए हैं और यह जिला बहुत संभावनाओं वाला जिला है, इसे प्रदेश का नंबर एक जिला बनाया जा सकता है। मैंने जिले के समस्त अधिकारियों का आह्वान किया है कि जिले को नंबर एक जिला बनाने के लिए अपने अपने विभाग के माध्यम से जो अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करने का प्रयास करें, जो सुस्त थे वो और तेजी लाने का काम करें। इससे जनपद की एक एक जो जनता है उसके जीवन